तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी मास्टर ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक हम वीडियो लेकर आए कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम इससे पहले नोकिया राउटर के लिए मैक एड्रेस बनाए थे, फिर इसमें चेंज सेटिंग होने के कारण से, अपडेट होने के कारण से बहुत ज़्यादा पहले से सेटिंग इसमें चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे इससे पहले जो SSID सिस्टम अनुसार था, जो एक SSID में आप 32 डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल नई अपडेट होने के कारण से 8 डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ एक SSID में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, 32 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, 4 से 4 SSID आपको इनेबल करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमको आप वीडियो में हम करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं, कोई भी वीडियो से अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के कोई भी टिप्स छोड़ना नहीं है, वीडियो अंत तक देखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद एक ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हम सिंपली यहां से एक ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर लॉग इन करना है 192.168.1.254 नोकिया राउटर के लिए। और सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है। हम ऑलरेडी इसमें सेव करके रख लेते हैं, आपको लॉगिन करके हम दिखा देता है। सेटअप पेज यहाँ पर खुल गया, राउटर सेटअप पेज। और खुलने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले एक किसी भी मोबाइल का मैक एड्रेस लेना है। तो यहाँ पर हम एक मैक एड्रेस ले लेते हैं। सिंपली हम कोई भी डिवाइस के ले लेते हैं, जैसे हम Realme XT का एक मैक एड्रेस ले लेते हैं। यहाँ से पहले मैक एड्रेस नहीं हम इसमें यूज़ किए थे, तो Realme XT का एक मैक एड्रेस ले लेते हैं। और मैक एड्रेस लेने के बाद आपको करना क्या है, सिक्रेटरी में जाना है। और सिक्रेटरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको देख रहा है मैक फिल्टर, मैक एड्रेस लगाने के लिए मैक फिल्टर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं इथरनेट के भी सेटिंग है। इथरनेट आप डाटा केबल लगाकर सिर्फ लैपटॉप और PC में आप चला सकते हो, तो हमको इथरनेट का ज़रूरत नहीं है, हमको Wi-Fi SSID का ज़रूरत है मोबाइल में किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको, यहाँ से आप देख सकते हो Wi-Fi SSID। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर Wi-Fi SSID को इनेबल करना है मैक एड्रेस के लिए, मैक फिल्टर को इनेबल करना है। तो यहाँ पर हम इनेबल कर देते हैं, यहाँ पर हम इनेबल कर दिए। और इनेबल करने के बाद यहाँ पर कोई भी आपको कोई भी कस्टम एक डिवाइस का मैक एड्रेस लेना है। जैसे मैक एड्रेस हम पहले हम कॉपी करके लाए थे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सेव करना है। और सेव करने के बाद 2 मिनट वेट करना है हमारा। और वेट करने के बाद आपको फिर से राउटर का सेटअप पेज में जाना है। और सेटअप पेज में जाने के बाद आप फिर से सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी में जाने के बाद फिर से मैक फिल्टर में जाना है। और मैक फिल्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम एक डिवाइस को यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए। तो आप एक SSID में आप सिर्फ और सिर्फ 8 डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे। इसे वाला सेटिंग से पहले वाला सेटिंग था, उसमें आप 32 डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे। अभी अपडेट होने के कारण से यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 8 डिवाइस को एक SSID में आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम इसमें इस SSID में SSID नंबर 1 में हम एक डिवाइस कनेक्ट कर दिए, हम कंटिन्यू करके 8 डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद आपको अगर 8 से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले SSID को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे 4 SSID आपका स्क्रीन पर है, तो कोई भी आप है ना 8 से ज़्यादा लगाना है, तो कोई भी SSID में आप सेलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से वही तरीका अपनाना है, जैसे मैक एड्रेस को इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ पर कोई भी कस्टम एक मैक एड्रेस ले लेना है। और लेने के बाद यहाँ पर आप सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद आपको वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट करने के बाद आपको
आप सोलो डिवाइस चला सकते हो, जैसे तीसरा SSID आप सेलेक्ट करते हो तो 2400 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे चौथा SSID को आप सेलेक्ट करते हो तो आपको 32 डिवाइस कनेक्ट करने को मिलेगा। और यहाँ से आप 4 SSID को इनेबल करते हो तो आपको क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग में जाकर, नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपको वायरलेस 2.25 GHz में जाकर आपको यहाँ से भी SSID सभी को इनेबल करना होता है। जैसे इसको हम इनेबल करके 2 नंबर का रखे हैं, जैसे 4 नंबर का डिसेबल है, यहाँ पर इनेबल SSID आप देख सकते हो, इनेबल SSID डिसेबल है, तो इसको भी मैक एड्रेस 4 SSID को आप इनेबल करते हो तो 4 यहाँ से भी 4 SSID को आपको है ना इनेबल करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसे लगा आपको, आपको किसी भी प्रकार को वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमको बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।